this is Tarka and welcome back to my channel, A Sparkling Star. कैसे आप सब लोग? I hope you all are doing good. So guys, finally बाबा का बुलावा आ गया है और हम निकल चुके हैं शिरडी के लिए. तो कैसे जाना है, कहाँ रुकना है, दर्शन की प्रोसेस क्या है, प्रसादालय में फिलहाल प्रसाद बट रहा है या नहीं, साईं मंदिर के पास में और कौन सी प्लेसेस है जो आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, अगर आपको ये जानना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए. वीटी दादर थाना और कल्याण से आप डायरेक्ट साई नगर शिरडी स्टेशन के लिए ट्रेन ले सकते हैं. अब मैं आपको रेट्स बता दूं, जनरल के लिए है 150 रुपीज, स्लीपर नॉन एसी 235 रुपीज, स्लीपर सेकंड एसी 890 रुपीज एंड स्लीपर थर्ड एसी 630 रुपीज. गाइस, हमारी ट्रेन आ चुकी है और अब कल मिलते हैं. गुड मॉर्निंग गाइस. तो फाइनली हम साई नगर शिरडी पहुंच चुके हैं. ये देखिए, स्टेशन से बाहर निकलते ही आपको ऑटो स्टैंड नजर आएगा, जहां से आपको ऑटो सीधा मंदिर ले जाएगी. पर पर्सन 20 रुपीज चार्ज करते हैं वो. शिरडी रेलवे स्टेशन से साई मंदिर 3 किलोमीटर की दूरी पर है गाइस. लेकिन सबसे पहले हम जाने वाले हैं भक्त निवास, जो मंदिर के आगे 2 किलोमीटर पे आता है. तो ये देखिए, हम भक्त निवास पहुंच चुके हैं. ये है साई आश्रम, बहुत ही बड़ी जगह है गाइस. ये देखिए, अगर आप अपने पर्सनल व्हीकल से ट्रैवल करते हैं तो पार्किंग का कोई इशू नहीं है. ये है रिसेप्शन काउंटर. अगर आपने ऑनलाइन बुकिंग नहीं की है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर ऑफलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं, जिसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होता है और अपनी और अपने फैमिली की जो डिटेल्स है वो प्रोवाइड करनी होती है. 3 लोगों की कैपेसिटी वाला जो नॉन एसी रूम है उसका चार्ज है 250 रुपीज, और अगर 3 से ज्यादा लोग है तो पर पर्सन वो लोग 50 रुपीज एक्स्ट्रा चार्ज करते हैं गाइस. तो हमने पूरे 350 रुपीज पे किए. 24 आवर्स वाटर फैसिलिटी भी है यहाँ. तो फ्रेश होकर हम मंदिर के लिए निकल चुके हैं गाइस. ये देखिए, यहाँ एक कैंटीन है आश्रम में ही, जो बिल्कुल भी लो प्राइस पे रन करता है. अच्छी खासी जगह है गाइस, बहुत ही नीट एंड क्लीन, आप बिंदास यहाँ आ सकते हैं. और ये देखिए, यहाँ पे एक भोजनालय है. अगर दर्शन के बाद आप प्रसादालय नहीं जाना चाहते तो आप यहाँ सेम प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं. साई आश्रम से साई मंदिर जाने के लिए फ्री बस सेवा भी है संस्थान की ओर से, लेकिन हम चल के जा रहे हैं. यहाँ रहने के लिए 3 ऑप्शन है गाइस. पहला जो हम रुके हैं साई आश्रम, ये है दूसरा, और ये है तीसरा गाइस, द्वारावती भक्त निवास, जो मंदिर से बिल्कुल 800 मीटर की दूरी पर है. अगर आप किसी प्राइवेट होटल में रुकना चाहते हैं तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. आप अगर प्राइवेट बस से ट्रैवल करना चाहें तो भी आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं. ये शिरडी बस डेपो भी मंदिर के पास में ही है गाइज. अगर आप गवर्नमेंट बस से ट्रैवल करना चाहते हैं तो आप यहां से ट्रैवल कर सकते हैं. सो गाइज, अब बस 5 ही मिनट में हम पहुंचने वाले हैं साई मंदिर. लेकिन पहले देखिए, यहां लेफ्ट में एक शिव अवतार खंडोबा मंदिर है जो 300 साल पुराना है. यहां के पुजारी थे मालसापति. औरंगाबाद से बाबा जब पहली बार चांदभाई पाटिल जी के रिश्तेदार की शादी में शिरडी आए, तब वहां बाहर पेड़ के नीचे खड़े थे. उस वक्त मालसापति ने बाबा को पुकारा था, आओ साई. तब से बाबा का नाम हो गया साई बाबा. बाबा के पास आने वाले भक्तों को बाबा हमेशा कहते थे, खंडोबा मंदिर से मुझे साई नाम प्राप्त हुआ है, तो पहले वहां दर्शन करना और फिर मेरे दर्शन के लिए आना. गाइज, ये है गेट नंबर 4. सामने जो आपको काउंटर्स दिख रहे हैं, ये काउंटर्स हर एक गेट पे हैं. यहाँ पेड़ दर्शन भी है और फ्री दर्शन भी है. फ्री दर्शन के पासेस आपको गेट नंबर 2 पे मिलते हैं, और पेड़ दर्शन के पासेस आपको गेट नंबर 1 पे भी मिल जाते हैं ऑफलाइन, या फिर आप घर से ही ऑनलाइन बुकिंग करके आ सकते हैं, जिसकी बुकिंग 5 दिन पहले स्टार्ट होती है और जिसका चार्ज है 200 रुपीज पर पर्सन. ये है गेट नंबर 1 गाइस, और यहाँ से पेड़ दर्शन की लाइन शुरू होती है. लेकिन उससे पहले गेट नंबर 1 के साइड में जो काउंटर्स है, वहाँ पे अपने शूज, मोबाइल, कैमरा हमें रखने होंगे. शूज के लिए तो कोई चार्जेस नहीं है गाइस, लेकिन पर मोबाइल वहाँ पे 5 रुपीज चार्ज किया जाता है. 20 मिनट में ही हमारे अच्छे खासे दर्शन हो गए हैं. अब हम वहाँ से निकल चुके हैं. ये देखिए, यहाँ एक दक्षिणमुखी हनुमान मंदिर नजर आ रहा है. ये बहुत ही पुराना मंदिर है जो द्वारका माई और चावड़ी के बीच में है. ऐसा कहा जाता है कि चावड़ी जुलूस के दौरान साई बाबा इस मंदिर में रुकते थे और कुछ अजीब इशारे दिखाते हुए अपने हाथ लहराते थे और कुछ मिनट वहीं रुकते थे. विशेष अवसरों पर निकाले जाने वाली साई बाबा की पालकी भी मारुति मंदिर रुकती है और उपासक बाबा और हनुमान जी की स्तुति करते हैं. यहाँ पर बाबा हर दूसरे दिन विश्राम किया करते थे. पहले तो ये एक टूटी फूटी जगह थी,
लेकिन फिर इसे बनवाया गया। बाबा को चावड़ी से विशेष लगाव था। बाबा के एक भक्त थे लक्ष्मण दामोदर बाबरे चिंचणकर, जिन्हें सब अन्ना कहते थे। लंबे समय से उनका जमीन को लेकर एक कोर्ट केस चल रहा था। वो हर बार बाबा के पास इसका जिक्र करते। आखिरकार कोर्ट का फैसला अन्ना की तरफ से हुआ। अन्ना खुश हुए और उन्होंने 1,800 रुपए बाबा को देने चाहे, लेकिन बाबा ने लेने से इनकार किया। तब बाबा के जो भक्त थे काका साहेब दीक्षित, उन्होंने बाबा से कहा कि 1,800 रुपए लेकर चावड़ी की मरम्मत करवाते हैं। इस बात पर बाबा ने सहमति दी और कहा, चावड़ी को अन्ना और उनकी पत्नी का नाम दो। यही एक ऐसा स्थान है जहाँ ब्रह्मचर्य नियम के अनुसार चावड़ी के दाहिने हिस्से में स्त्रियों का प्रवेश मना है। गुजरात के नौसारी के अंबाराम को बाबा ने सपने में दर्शन दिया। उसी आधार पर अंबाराम ने बाबा की एक पेंटिंग बनाई और संस्थान को भेंट दी। बाबा ने एक फकीर के सपने में आके उसे दो आम देते हुए कहा था कि इन्हें हाजी अब्दुल बाबा को दे दो और शिरडी भेज दो। इसी तरह अब्दुल बाबा नांदेड़ से शिरडी आए और खुद को साई सेवा में जोड़ दिया। बाबा के रहते हुए उन्होंने 30 साल तक उनकी सेवा की और बाबा के जाने के बाद 36 साल तक महासमाधि की सेवा की। वो बाबा के परम भक्त थे। बाबा जब पहली बार शिरडी में आए तो वो एक नीम के पेड़ के नीचे बैठा करते थे, हर समय हर मौसम। उस वक्त शिरडी में एक पुरानी मस्जिद थी। लोगों ने बाबा को उस मस्जिद में रहने के लिए कहा और बाबा मस्जिद में रहने चले गए, जिसे अब हम द्वारका माई कहते हैं। एक दिन शिरडी में बहुत जोर की बारिश हुई और मस्जिद में कीचड़ और पानी भर गया। तब भक्तों ने सोचा मस्जिद के सामने जो चावड़ी है वहाँ बाबा को ठहराया जाए। नारायण तेली बाबा को लेकर चावड़ी चले गए। उस दिन से अंतिम समय तक हर दूसरे दिन बाबा चावड़ी में रहने लगे। बाला साहेब देव जो मामलेदार थे, उन्हें बाबा ने स्वयं से सबसे पहले बताया था कि अब इस मस्जिद का नाम द्वारका माई है। उससे ये साबित होता है कि सबका मालिक एक है। तब से ये मस्जिद द्वारका माई बन गई। कहते हैं कि बाबा ने अपनी यौगिक शक्ति से द्वारका माई में अग्नि प्रज्वलित की। इस धुनी के भस्म को बाबा ने उदी का नाम दिया। इसे वह अपने भक्तों में बांटा करते थे, जिससे कई गंभीर रोगी ठीक हो जाते थे। इस धुनी में आज भी लकड़ियां डालते हुए उसे सुरक्षित रखा गया है और निकलने वाली उदी को आज भी प्रसाद स्वरूप दिया जाता है। 150 साल से जल रही साई की धुनी को लोग अखंड धुनी कहते हैं और साई बाबा ने कहा था, ये धुनी तब तक जलेगी जब तक इस दुनिया का अस्तित्व रहेगा। तो चलिए अब चलते हैं प्रसादालय। साई समाधि मंदिर से प्रसादालय 2 किलोमीटर की दूरी पर है। गेट नंबर 1 से साई संस्थान की फ्री बस सेवा भी है जो आपको प्रसादालय ड्रॉप करेगी, या फिर आप ऑटो से जा सकते हैं। ऑटो वाले पर पर्सन 10 रुपीज चार्ज करते हैं। गाइज, यहाँ फ्री प्रसाद भी मिलता है और पेड़ प्रसाद भी मिलता है। आप सामने जो देख रहे हो, यहाँ पर फर्स्ट फ्लोर पे पेड़ प्रसाद सर्व किया जाता है, जिसके लिए 50 रुपीज पर पर्सन चार्ज करते हैं। फ्री प्रसाद के लिए आपको यहाँ से कूपन लेना है और आगे जाना है। तो चलिए अब हाथ मुंह धो के प्रसाद ग्रहण करते हैं। 10,000 लोग यहाँ एक साथ खाने बैठ सकते हैं, इतनी इस हॉल की कैपेसिटी है। और ये देखिए, कोविड के चलते यहाँ की अरेंजमेंट जो है ये बहुत ही अच्छी है। सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए यहाँ प्रसाद सर्व किया जाता है। सो गाइस, अब हम जाने वाले हैं साई तीर्थ थीम पार्क, जो प्रसादालय से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। यह है साई तीर्थ थीम पार्क, जो इंडिया का फर्स्ट डिवोशनल थीम पार्क है। बहुत ही कमाल की जगह है ये। और ये देखिए, यहां सामने राइट में एक टिकट काउंटर है। यहां 4 शोज दिखाए जाते हैं। नंबर 1 सबका मालिक एक है, नंबर 2 तीर्थ यात्रा, नंबर 3 लंका दहन, नंबर 4 द्वारका माई। इसकी जो टिकट है ये बड़ों के लिए है 250 रुपीज पर पर्सन और बच्चों के लिए है 200 रुपीज पर पर्सन। बहुत ही स्पेशियस है ये। और ये देखिए क्या कमाल का काम किया है। यहाँ द्वारका माई का शो होता है। यहाँ सबका मालिक एक है, तीर्थ यात्रा और लंका दहन। यहाँ के लिए आप ऑनलाइन बुकिंग भी कर सकते हैं।
यहाँ सामने रेस्टोरेंट भी है और वॉशरूम्स भी है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो फटाफट से जाके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हर हफ्ते मैं लेके आती हूँ कुछ नया, वो भी फ्री में। और सब्सक्राइब के साइड में जो बेल आइकन है उसे हिट कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। ये देखिए, यहाँ भी बाबा विराजमान है। ये बिल्कुल समाधि मंदिर की तरह बनाया गया है। फिलहाल कोविड के चलते ये बंद है, लेकिन यहाँ के सिक्योरिटी गार्ड तिवारी जी, उनकी वजह से हमें यहाँ अंदर आने का मौका मिला। तो चलिए अब उन्हीं से जानते हैं इसके बारे में। सब बढ़िया सा बना हुआ है, इधर फाइडी शो बना हुआ है, लंका दंका दिखा दे, चेयर मूवमेंट वगैरह होता है, वो फाइडी वाला शो रहता है। उसके बाद में तीर्थ यात्रा बना हुआ है अंदर, बालाजी, जगन्नाथपुरी, द्वारका, पंडरपुर, जैसे मंदिर अंदर है वहाँ पे जगह पे वैसे सेम मंदिर यहाँ पे बना हुआ है। जैसे तो बाबा की द्वारका में ही बना हुई है, उसके अंदर आप बाबा का खुद बाबा आपके साथ बात करते हैं, ऐसे फीलिंग होता है वहाँ पे आपको। और आप ऐसा मूवमेंट करेंगे, जब बैठेंगे जैसे आपको लगेगा बाबा खुद आपके सामने बोल रहे हैं, आप बाबा के साथ बैठे हुए, ऐसे आपकी वहाँ पे फीलिंग होगा। ऐसे हमने सबसे बढ़िया जॉइंट स्क्रीन बना हुआ है उधर, महाराष्ट्र में आपको कहीं नहीं मिलेगा ऐसा बड़ा जॉइंट स्क्रीन बना हुआ। और गाइस, सबका मालिक एक है, ये जो शो है इसमें 1 घंटे की साईं बाबा की मूवी बड़ी स्क्रीन पे दिखाई जाती है। काश हमें ये देखने का मौका मिलता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, जब ओपन होगा तब हम वापस आ जाएंगे। इस थीम पार्क के बिल्कुल अपोजिट एक वाटर पार्क भी बना है, कोविड के चलते वो भी बंद है, लेकिन आप जब भी शिरडी आओगे यहाँ जरूर आइए। बहुत मजा आया। अब हम यहाँ से निकल रहे हैं, सेम डे हमारी वापसी की ट्रेन है। गाइज, आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब तो याद से कीजिए।